अगर आप समूह लोन लिए हैं, बोले तो परेशान हैं, उनसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, तो ये वीडियोज आप सभी लोगों के लिए है। दोस्तों इस वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं अब तक ये लगा लीजिए कि अपने ही सर्कल में करीब करीब मैंने 7-8 लोगों को देखा है, और ये हर घर की, हर ये लगा लीजिए कि गाँव के हर लगभग ये 75% व्यक्ति की यही कहानी है। लेकिन 75% जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि अगर समूह जो एजेंट वाले, जो रिकवरी वाले जो आते हैं आपके पास, तो आपको टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, आपको मैसेज नहीं भेज सकते हैं, आपको धमकी नहीं दे सकते हैं। आपके घर में चाहे सिलेंडर है, चाहे बर्तन है, चाहे तखत है, चाहे जो भी A to Z सामान है, उस पर हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। गाइज क्या है कि आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अगर वीडियोज आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट शेयर करना, क्योंकि ये महिलाओं के साथ ना ये मानसिक और शारीरिक दोनों शोषण हो रहा है और निम्न प्रकार की समस्या है। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो मैंने कुछ चीज़ें निकाला है कि अगर समूह लोन अगर आपने लिया है, आपके नाम पे है, तो ये लगा लीजिए कि उससे बचने का जो तरीका है, मैंने आप सभी लोगों को शेयर इस वीडियो में करना है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं पुलिस स्टेशन में। गाइस क्या है कि कोई भी एजेंट आता है आपके पास, आपके पड़ोस, आपके रिश्तेदारों को फोन सकता है, आपके पड़ोसी को बुला सकता है, आपको निम्न प्रकार की धमकियां दे सकता है, तो उसमें क्या है कि आप पुलिस स्टेशन में आप जाइए नज़दीकी, और वहां पे क्या है कि केस दर्ज कराइए। जिस कोई भी अगर एजेंट आपके पास रिकवरी वाला आता है, तो सबसे पहले आप उससे कार्ड मांगिए कि आप अपना कार्ड दिखाइए। कार्ड जिस लोन से आपने जैसे लिया है, जिस बैंक से आपने लोन लिया है, तो उस बैंक का उसके पास कार्ड होना ज़रूरी है। नहीं तो उससे आप बात ही मत कीजिए, उसको सिर्फ ये लगा लीजिए कि उसी के भाषा में उसको जवाब दीजिए। भाई ऐसा है कि देखो, कोई भी काम करता है आदमी, तो वो लोन लेता है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन है, वो लोन लेता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मान के चलिए कि बिजनेस चल रहा है, आज बिजनेस चल रहा है, कल बिजनेस ठप हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये थोड़ी है कि आपको एकदम से ऑन द स्पॉट टॉर्चर कर देगा, ऐसा नहीं है भाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन सभी लोगों का एक नियम बना रखा है कि कब जाना है, कब नहीं जाना है, ये सारे टॉपिक पे आज बात करेंगे। सबसे पहले, कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, तो उसके आने का टाइम 8 बजे के बाद वो आ सकता है। कभी भी आएगा, आपसे मिलेगा, आप उसका फ़ोन करता है तो आप फ़ोन उसका रिसीव कीजिए, उससे मिलिए। जितना आप नहीं मिलेंगे, उतनी ही आप परेशानी में जाते चले जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, मैंने लिखा है इसमें कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आ सकता है, फ़ोन कर सकता है, उसके बाद वो नहीं आ सकता है। उसके बाद लिखा है इसमें कि रिकवरी एजेंट लोन लेने वालों को अपमानजनक मैसेज कभी भी नहीं कर सकता है। कोई भी, चाहे आपने बाइक लिया है, चाहे आपने पर्सनल लोन लिया है, चाहे आपने समूह लोन लिया है, चाहे आप बिजनेस लोन लिए हैं, तो कोई भी रिकवरी जो एजेंट होता है, आपको गाली गलौच मैसेज कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके अगर वो करता है, तो आप सिविल कोर्ट जाके उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, और नहीं तो पुलिस स्टेशन में आप जाके मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर उस जो भी लोन रिकवरी जो भी टीम है आती है, उसका कार्ड लेके जाइए, वहाँ पे पुलिस स्टेशन में आप जाइए और वहाँ पे कार्ड लेके जाइए और कहिए पुलिस चौकी में कि ये जो है फलाने व्यक्ति जो है, ये हमें धमकी दे रहा है, हमें हमारे परिवार को डिस्टर्ब कर रहा है, हमें हमारे बीवी बच्चों को परेशान कर रहा है, मैं इससे परेशान हूँ। निम्न प्रकार की चीज़ें होती हैं, प्रक्रियाएँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको बदनाम कर देगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर रिकवरी एजेंट बदनाम करता है, जैसे कि दोस्तों यार परिवारों को बुलाना, कार्यालय में हंगामा करना, या पड़ोसियों के सामने आप अपमानित करने, मानहानि का भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। मान के चलिए कि देखिए, आपने 50,000 किसी कंपनी से लोन ले लिया, आपने हर टाइम पे किस्त पे किया, 10 आपने किस्त पे कर दिया, कोई ऐसी इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन आ सकती है, मान लीजिए कि आपका बच्चा बीमार हो गया, आपकी बीवी बीमार होगी, तो वो आता है तो वो ये सब कुछ भी नहीं देखता है, वो सीधा सीधा आपको आपके पड़ोसी के सामने अपमानित करने लगता है। अगर वो ऐसा करता है, तो आप मोबाइल में वीडियोज़ बना लीजिए उसका,
या तो फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं आप उसका रख लीजिए और जाइए और पुलिस थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। 101% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई भी पर्सनल लोन हो, चाहे समूह लोन हो, चाहे आपका कोई भी बाइक वाइक जो भी चीज़ें लोन जितने भी, क्योंकि इनके पास कोई भी लीगल ऑप्शन है ही नहीं भाई। समय दिया जाता है हर चीज़ के लिए। अगर वीडियोज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियोज मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को लाने, क्योंकि मैं अपने सर्कल में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर है इस टाइम। और अभी इसी टॉपिक पे इतनी आप सभी लोगों की वीडियोज़ मिलेगी कि जितनी भी वीडियोज़ मिलेगी आप प्लीज़ रिक्वेस्ट शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आए दिन वीडियोज़ देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सर्कल में देख रहा हूँ कि वो टॉर्चर हो रहे हैं, सुसाइड करने तक के बारे में सोच रहे हैं, अपना गाँव छोड़ दे रहे हैं, अपना शहर छोड़ दे रहे हैं, अपने भाई बंधु परिवार माता पिता सबको छोड़कर वो बाहर में कमाने चले जाते हैं, डर के मारे वो आ ही नहीं रहे हैं घर पे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसी वीडियोज को शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद।